में सुर्तियों का अप्रत्याशित रिस्पॉन्स मिल रहा है। हमने अपने हस्तशिल्प उत्पादों को 8 दिनों में बेचकर 8 लाख रुपए कमाए हैं। ये शब्द हैं कश्मीर के श्रीनगर के एक स्टॉल होल्डर आदिल अहमद डार का। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा सूरत में आयोजित हुनर हाट में देश के विविध भागों से हस्तकला कारीगरों एवं हुनरबाजों का संगम सर्जित हुआ है। यहाँ 20 वर्षीय आदिल अहमद डार अपने बड़े भाई शाकिर करीम के साथ हुनर हाट में तरह तरह की पश्मीना शॉल बेच रहे हैं। उन्होंने खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि पहले हम सिर्फ कारीगर थे, लेकिन अब हमने हुनर हाट के जरिए एक बड़े बाजार में प्रवेश कर लिया है। सूरत पश्मीना शॉल दिखाते हुए आदिल अहमद कहते हैं कि इस शॉल को बनाने में 4 महीने लगते हैं। हमारे पास 550 रुपए से लेकर 3,50,000 रुपए तक के शॉल उपलब्ध हैं। हम हस्त निर्मित पश्मीना शॉल की विभिन्न वैरायटी जैसे कनी, सोजनी, तिल्ला, वर्क पेपर मासी, आरी और सुई वर्क से आधे शॉल बनाते हैं। इन शुद्ध पश्मीना शॉल को बनाने में करीब 4 महीने का समय लगता है। यहाँ सूरतियों का खुला मिजाज देखने को मिल रहा है। यहाँ आने वाले ग्राहक उत्साह के साथ खरीदारी कर रहे हैं। आदिल कहते हैं श्रीनगर के ईदगाह इलाके में रहने वाला मेरा पूरा परिवार हस्तशिल्प से पश्मीना शॉल बनाने में पारंपरिक व्यवसाय से जुड़ा है। मेरे दादा और परदादा भी इस धंधे में शामिल थे। यह हुनर हमें अपने पूर्वजों से विरासत में मिला है। हम जैसे छोटे और पारंपरिक कारीगरों के हुनर हाट से राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है। उन्होंने कहा हमने अपने पूर्वजों के शिल्प कौशल को बरकरार रखा है। यही कारण है कि हम जहां भी जाते हैं सभी क्षेत्रों के लोग हमारे उत्पादों को पसंद करते हैं और हमारे उत्पादों को अपनाते हैं।